नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में काम आने वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन कैमोमिला के बारे में, जो कि बच्चों के डाइजेशन के प्रॉब्लम्स में या डेंटिशन के प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, छोटे बच्चों को जब पेट में दर्द हो रहा हो और वो रोना शुरू कर दें और आपके गोद में उठाते ही वो चुप कर जाएं, जैसे ही आप उन्हें अपने कंधे पे लिटा लें या उन्हें सहलाकर सुलाना शुरू कर दें, वैसे ही वो रोने से चुप हो जाएं। और साथ ही कई बार क्या होता है कि बच्चे इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं कि आप उन्हें कोई चीज़ देते हैं, उनकी पसंद की चीज़ देते हैं जो उन्हें चाहिए होती है, पर वो तब भी उसे लेने से मना कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं उन्हें कोई शरीर में तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा होता है और पेट वगैरह में दर्द हो या उल्टी आने वाला मन उनका हो रहा हो, तब जो है हम कैमोमिला का इस्तेमाल करके इन सिम्टम्स में आराम पा सकते हैं। छोटे बच्चों में अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, उन लोगों को डकारें आ रही हो या फिर गैस बन रही हो और गैस साथ ही पास भी हो रही हो, जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाए और रोना शुरू कर दे और बहुत ज़्यादा रो रहा हो, ऐसी कंडीशन में हम कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर बच्चों को भूख ना लग रही हो या फिर खाना खा लेने पे उल्टी आ रही हो, ऐसी कंडीशन में हम कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हों, यानी कि एक जगह टिक के ना बैठते हों, भागते फिरते हों, ऐसे बच्चों में कोई भी परेशानी आ जाने पर अगर हम कैमोमिला का यूज़ करेंगे तो तुरंत ही उनकी जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। बच्चों का यदि एक गाल जो है वो गर्म और लाल हो जाए और दूसरा गाल जो है वो पीला और ठंडा हो जाए, पेलनेस आ जाए, तब हम ऐसे बच्चों में किसी भी परेशानी के लिए कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों में सिर पीछे करने से उनका सिर का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है, तब भी जो है हम कैमोमिला का यूज़ करके इस सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि बच्चों के अंदर दांत में दर्द हो रहा है, छोटे बच्चों में जब दांत निकलने वाले होते हैं, डेंटिशन वाला टाइम होता है, उस टाइम में जब दांत निकल रहे होते हैं, तब अगर बच्चों के मसूड़ों में दर्द होता हो और साथ ही अगर डेंटिशन के टाइम पे बच्चों को उल्टियां लगती हों, उस समय में हम जो है कैमोमिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन बच्चों के दांत आ चुके हों और उनमें दर्द रहता हो, मसूड़ों में साथ में दर्द ज़्यादा हो, ऐसी कंडीशन में हम कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को अगर कोई गर्म चीज़ खिला या पिला दी जाए, उसकी वजह से अगर उनके दांत में दर्द हो जाए, तब जो है हम कैमोमिला का यूज़ करके उस दर्द को रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। साथ ही अगर छोटे बच्चों में पेट जो है वो डिस्टेंडेड ब्लॉटेड हो, यानी कि उनका पेट अफरा रहे और उनके जो है डकारें या गैस जो है वो बन रही हो और साथ ही उनके पेट में दर्द हो जिसकी वजह से वो रोते रहें, उल्टियां लग जाए या फिर डायरिया हो जाए, यानी कि लूज मोशन अगर लग जाए, तब भी हम कैमोमिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बच्चों की छाती में हाथ लगाने पर दर्द हो, उनकी ब्रेस्ट में अगर हाथ लगाने पर टेंडरनेस बच्चे को फील हो रही हो, तब भी हम कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कैमोमिला जो है वो बच्चों की पेट की समस्या को जल्दी ठीक करती है। और अगर अब हम बड़ों की बात करें तो महिलाओं में भी अगर ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील हो रही हो, निप्पल्स जो हैं उनमें दर्द हो रहा हो, तब भी हम कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कैमोमिला जो है वो छोटे बच्चों में कम पोटेंसी में ही दी जानी चाहिए। अगर आप इसकी ज़्यादा पोटेंसी या ज़्यादा डोज दे देंगे तो बच्चों में परेशानी जो है वो कई बार कम होने की बजाय बढ़ जाती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कई बार देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप जब भी बच्चे को कोई दवा देने जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें कि ये दवाई उनके लिए ठीक रहेगी या फिर नहीं। और अगर आप हमसे कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट जो है शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।